बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास टेंथ, दिस इज़ लेसन नंबर 14, चैप्टर नंबर 1 एंड एक्सरसाइज 1.3। और हम अपनी एक्सरसाइज में डिस्कस कर रहे हैं इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। इससे पहले जो दो लेक्चर्स मैंने आपको भेजे उनमें हमने फर्स्ट टू टाइप्स डिस्कस की कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस गिवन हों तो उनको क्वाड्रेटिक फॉर्म में किस तरह से रिड्यूस किया जा सकता है और फर्दर ही उनका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। अभी जो हम टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ टाइप नंबर 3, और वो इक्वेशन आपके सामने लिखी है कुछ इस तरह से है, ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस bx प्लस a इज़ इक्वल्स टू 0। आप देखें तो इस किस्म की इक्वेशंस में जो आपके पास हाईएस्ट डिग्री है दैट इज़ 4, इसका मतलब ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 4 है। देन क्यूबिक टर्म, आफ्टर दैट स्क्वायर टर्म, देन लीनियर, एंड एट लास्ट देयर इज़ अ कांस्टेंट नंबर। और आप इसको कह सकते हो ऑफ द फॉर्म ए इंटू x² प्लस 1 ओवर x² प्लस बी इंटू x प्लस 1 ओवर x प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देखो तो आपके पास ये जो सेकेंड टर्म है दोनों ब्रैकेट्स की, ये रेसिप्रोकल टर्म्स बन गई हैं, यानी इनमें वेरिएबल आपके पास डिनोमिनेटर में आ गया है। सो दीज टाइप्स ऑफ इक्वेशंस आर कॉल्ड रेसिप्रोकल इक्वेशंस। तो बेसिकली आज जो थर्ड टाइप ऑफ इक्वेशन हम सॉल्व करने जा रहे हैं दे आर रेसिप्रोकल इक्वेशंस, ठीक है। अब ये फर्स्ट फॉर्म से इस सेकंड फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट हो जाती है ये भी हम फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कैसे ये फॉर्म बनती है। सो यहाँ पे मैंने अपनी एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट नंबर 10 सॉल्व किया है जो कि है x4 माइनस 2x³ माइनस 2x² प्लस 2x प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू 0। अगेन आप देख सकते हो कि दिस इज़ बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, इसको बाय क्वाड्रेटिक से क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है। क्वाड्रेटिक की डिग्री होती है 2, तो इस 4 को 2 में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं इस इक्वेशन की हर टर्म को x² यानी स्क्वायर टर्म जो क्वाड्रेटिक की हाईएस्ट डिग्री होती है x² से डिवाइड कर दूँगी, ठीक है। अब देखो जब मैं डिवाइड करूँगी तो x² 4 डिवाइडेड बाई x² माइनस 2x³ डिवाइडेड बाई x² माइनस 2x² डिवाइडेड बाई x² प्लस 2x डिवाइडेड बाई x² एंड प्लस 1 ओवर x² इज इक्वल टू 0। यानी जितनी भी टर्म्स थी इसकी पांचों टर्म्स बारी बारी x² से डिवाइड हो गई हैं। अब जब डिनोमिनेटर में x² आ गया है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में वेरिएबल अगर सेम हो आपके पास, पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, उनकी सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो इसका मतलब है कि जब ये दोनों सेम वेरिएबल सॉल्व होंगे तो ये स्क्वायर टर्म इस 4 में से 2 माइनस हो गए, पीछे बच गया x² इसी तरह यहाँ पे 3 में से 2 माइनस हो गए तो पीछे बच गया 1। तो मेरे पास जो फाइनल टर्म आ गई माइनस 2x, x² से कैंसिल, सिर्फ कॉन्स्टेंट बच गया क्योंकि दोनों वेरिएबल सेम थे न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो दोनों कैंसिल हो गए। प्लस अब आप देखो तो आपकी जो न्यूमिनेटर की डिग्री है वो छोटी है, डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है, तो ये 1 इस 2 में से कैंसिल होगा तो डिनोमिनेटर में से एक नंबर कम हो गया, एक बच गया x। प्लस ये न्यूमिनेटर में कोई वेरिएबल नहीं है, सिंपली कॉन्स्टेंट नंबर है, तो 1 डिवाइडेड बाई x² एज इट इज़ इक्वल्स टू 0। अब ज़रा इन सारी टर्म्स को अरेंज करके लिखते हैं, यानी रीअरेंजिंग से क्या फॉर्म बनी, ये भी स्क्वायर टर्म है x² और आखिर में जो 1 बाई x² टर्म है ये भी स्क्वायर टर्म है, इनको मैंने इकट्ठा लिख लिया। माइनस 2x प्लस 2 बाई x, ये दोनों सेम वेरिएबल टर्म्स हैं, इनको इकट्ठा लिख लिया, एंड माइनस 2 सिंगल कॉन्स्टेंट टर्म थी उसको सबसे एंड पर लिख लिया इज़ इक्वल्स टू 0। अब मैंने क्या किया, x² प्लस 1 ओवर x² हैज़ बिन रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रैकेट, माइनस इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, साथ में माइनस भी कॉमन लिया, माइनस 2 बाहर जाने की वजह से यहाँ पे आ गया प्लस x, और ये माइनस कॉमन जाने की वजह से अंदर वाली टर्म का साइन चेंज हो गया, 2 चला गया बाहर और पीछे बच गया 1 ओवर x माइनस 2 इज़ इक्वल्स टू 0। तो अब आप चेक करो कि जो ऊपर आपको दोनों फॉर्म्स बताई गई थी बाय क्वाड्रेटिक से क्वाड्रेटिक यानी रेसिप्रोकल फॉर्म कैसे बनाई, तो ये है उसका प्रोसीजर कि बाय सिंपली डिवाइडिंग होल टर्म ऑल द टर्म्स ऑफ द गिवन इक्वेशन बाय x² हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू आर रेसिप्रोकल फॉर्म, ठीक है। अब देखते हैं इसका फर्दर सोल्यूशन हम कैसे करेंगे। जी देखिए, अब जो इक्वेशन मेरे पास बनी थी उसमें एक टर्म है x² प्लस 1 ओवर x², एक टर्म थी x माइनस 1 ओवर x, तो ये लीनियर टर्म है, मैं अपनी लीनियर टर्म कंसिडर कर रही हूँ और इसको सपोज कर लेती हूँ वेरिएबल y के इक्वल। अब इस लीनियर को
बनाने के लिए क्वाड्रेटिक, स्क्वायर्ड बनाने के लिए, ये लीनियर टर्म मैंने कंसिडर की, इसको स्क्वायर टर्म बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी इक्वेशन का स्क्वायर लेना पड़ेगा. तो बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आई विल गेट एक्स माइनस वन ओवर एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर. ठीक है, अब जब ये स्क्वायर खुलेगा, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बनेगी, तो ये कुछ इस तरह से होती है, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो मैंने भी इस एक्स फॉर्म को ऐसे ही एक्सपेंड किया, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए एक्स है और बी है वन बाय एक्स, माइनस टू एक्स वन बाय एक्स प्लस बी वन बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर. ये एक्स इस एक्स से कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे बच गया, टू वन ज़ा टू प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर. अब देखो तो जो क्वेश्चन में फॉर्म थी वो है एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर. तो मतलब मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है. तो यहाँ पे जो टू माइनस हो रहा है, मैं इसको इक्वालिटी के अपोजिट साइड पे ले जाती हूँ, जहाँ जाके ये हो जाएगा ऐड. सो एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स. तो यहाँ से मेरे पास एक्स माइनस वन ओवर एक्स एज वेल एज एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स दोनों टर्म्स की, यानी दोनों रेसिप्रोकल टर्म्स की वैल्यूज़ आ गई, जिनको मैं अपनी इक्वेशन में इन दोनों टर्म्स की जगह पे रिप्लेस कर दूंगी. तो इक्वेशन में सबसे पहला था एक्स प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर, इसकी जगह मैंने लगा दिया वाई स्क्वायर प्लस टू, माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था एक्स माइनस वन ओवर एक्स, उसकी जगह पे लगा दिया वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो. अब देखो ये प्लस टू ये माइनस टू कैंसिल हो गया, पीछे बच गया वाई स्क्वायर माइनस टू वाई. इन दोनों में वाई कॉमन है तो वाई बाहर निकल आया एज अ कॉमन टर्म, अंदर रह गया, यहाँ से एक वाई बाहर चला गया वाई माइनस, और यहाँ से जब वाई बाहर चला गया तो सिर्फ कांस्टेंट नंबर टू रह गया, माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो. सो आदर वाई इज इक्वल्स टू जीरो और वाई माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो फ्रॉम वेयर वाई इज इक्वल्स टू टू. अब ये तो निकले हैं मेरे पास उस वेरिएबल के रूट्स जिसको मैंने सपोज किया था अपनी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए. यहाँ पे देखो तो ये फॉर्म जो बनी थी इसमें डिग्री हाईएस्ट आ गई ना टू, तो मतलब ये मेरे पास जो बनी ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई. मुझे उस वेरिएबल के रूट्स फाइंड करने हैं जो कि मैंने किए हैं अपने क्वेश्चन में, ओरिजिनल क्वेश्चन में गिवन है, और वो वेरिएबल है एक्स. उसके लिए मैं अपनी फर्स्ट सबसे फर्स्ट फॉर्म जो मैंने कंसिडर की थी, सपोज की थी एक्स माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई, मैं ये कंसिडर कर रही हूँ. और यहाँ पे मैं वाई के दोनों रूट्स जीरो और टू को बारी बारी पुट करके चेक करूँगी कि मेरे पास सोल्यूशन क्या बनता है. अब वाई को जीरो पुट करें तो एक्स माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू जीरो बाई टेकिंग एलसीएम, ये एक्स इस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स जब इक्वालिटी की उस तरफ जाकर जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर जीरो, बिकॉज जीरो मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू जीरो. सो एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, माइनस वन इक्वालिटी के इस तरफ हो रहा है सब्ट्रैक्ट, इक्वालिटी के इस तरफ जाके हो जाएगा ऐड, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन. अब जब मैं स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे लूँगी स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल, और जब स्क्वायर रूट लिया जाएगा वन का दैट इज़ ऑल्सो वन. सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, ये मेरे पास अभी एक रूट निकला है वाई ज़ीरो पुट करने से. अभी मैंने इसी इक्वेशन में पुट करना है वाई इज इक्वल टू टू. तो फॉर दैट y is equals to 2, then x minus 1 over x is equals to 2. Again by taking LCM, x will be multiplied by x. ये आ गया x square minus 1. जब ये 2, x equality के opposite side पे जाके 2 से multiply होगा तो equation बन जाएगी x square minus 1 is equals to 2x. अब इनको arrange करें ज़रा, 2x इस तरफ minus हो रहा है, equality के इस तरफ लाएं, x square minus 2x minus 1 is equals to 0. तो देखो यहाँ पे ये बन गई है standard quadratic equation. अब मुझे इस standard quadratic equation को solve करने के लिए तीन methods पता हैं, उनमें से कोई भी method मैं apply कर सकती हूँ. अब देखें यहाँ पे इस equation की factorization नहीं हो सकती. कैसे नहीं हो सकती? फैक्टराइजेशन के लिए मुझे चाहिए फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, दैट इज़ एक्स स्क्वायर. ठीक है, और साथ में इसके आ रहा है वन. अब एक्स तो स्प्लिट हो जाएगा दो नंबर्स में, लेकिन ये वन किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी हो के टू तो नहीं बन सकता ना, क्योंकि मुझे टू एक्स को स्प्लिट करना है दो नंबर्स में. इसका मतलब है फैक्टराइजेशन तो इसकी पॉसिबल नहीं है. तो हमने पढ़ा था मेथड के वो इक्वेशंस, वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जिनकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल ना हो, उनके लिए हम यूज़ करते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी इस इक्वेशन पे क्वाड्रेटिक फार्मूला. उसके लिए आई हैव टू चेक द कोफिशिएंट्स ऑफ द गिवन टर्म्स. फर्स्ट ऑफ ऑल ए इज़ इक्वल्स टू वन, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है यहाँ पे है वन. बी इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो यहाँ पे है माइनस टू. एंड सी इज़ कॉन्स्टेंट टर्म, जो यहाँ पे है माइनस वन. एंड आर क्वाड्रेटिक फार्मूला इज़ माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए. तो इस फार्मूला में ए बी और सी की जगह पे उनकी कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ पुट करने से हमारे पास सोल्यूशन आएगा.
माइनस बी, बी है माइनस टू, तो ये फार्मूला का माइनस और ये जो आपके पास टर्म के साथ साइन आ रहा है माइनस का वो माइनस टू, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस टू का होल स्केयर माइनस फोर ए वन और सी माइनस वन, माइनस माइनस प्लस टू, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस टू का स्केयर आएगा फोर। आपको पता है कि स्केयर टर्म अगर नेगेटिव भी हो तो भी वो पॉजिटिव हो जाती है। कैसे? जब आप माइनस टू को मल्टीप्लाई करोगे माइनस टू से तो माइनस और माइनस होता है प्लस, तो टू टू ज़ा फोर, तो इस वजह से जब दो सेम टर्म्स नेगेटिव टर्म्स मल्टीप्लाई भी हों तो उनका आंसर पॉजिटिव आता है क्योंकि वो दोनों माइनस साइन एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो गए। ओके, माइनस और माइनस प्लस, फोर वन ज़ा फोर, फोर प्लस फोर इज़ एट, और आप देखो एट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्केयर, नॉट अ परफेक्ट नंबर, इसका स्केयर रूट पॉसिबल नहीं है। तो हमने इसकी की प्राइम फैक्टराइजेशन, तो बाई फैक्टराइजेशन टू फोर ज़ा एट, टू टू ज़ा फोर, टू वन ज़ा टू, थ्री देर आर थ्री टूज, पेयर बनाओ, जो एक पेयर्ड टू है वो स्केयर रूट से बाहर आ जाएगा और सिंगल टू स्केयर रूट के अंदर रह गया, इसका मतलब टू इज इक्वल टू अंडर रूट टू। एट रिप्लेस हो गया टू अंडर रूट टू, न्यूमिरेटर में से टू कॉमन लें, अंदर बच जाएगा वन प्लस माइनस अंडर रूट टू। अब ये डिनोमिनेटर वाला टू और ये कॉमन जो टू लिया है ये दोनों हो गए कैंसिल, पीछे बच गया वन प्लस माइनस अंडर रूट टू। सो हैंस द सोल्यूशन सेट इज प्लस माइनस वन एंड वन प्लस माइनस अंडर रूट टू। ये हैं हमारे पास अपनी इक्वेशन के वेरिएबल एक्स के दोनों रूट्स। तो आज जो आपने फॉर्म पढ़ी, इक्वेशन की टाइप पढ़ी, दैट वाज रेसिप्रोकल इक्वेशन। अब इससे रेलेवेंट जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं दैट आर योर होम असाइनमेंट, वो आप खुद सॉल्व करोगे एंड देखें कि आपको ये टॉपिक कहाँ तक समझ में आ गया। थैंक यू।